हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिटिकल स्टडी में। आज है 10 मई 2023 और 10 मई 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे व उनसे रिलेटेड फैक्ट के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, मई 2023 में किस शहर में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए राइट होगा, चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ मई 2023 में चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने 8 मई 2023 को चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है। उन्होंने सेंटर फॉर साइबर ऑप्स एंड सिक्योरिटी की आधारशिला भी रखी है, भारतीय वायुसेना में संचालन के विभिन्न पहलुओं को उजागर करने के लिए। हेरिटेज सेंटर में कलाकृतियों, सेमुलेट और इंटरएक्टिव बोर्ड शामिल होंगे। यह अपनी युद्धक क्षमताओं के अलावा मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए वायुसेना द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को प्रदर्शित करेगा। इसमें विभिन्न पुराने विमान भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, सशस्त्र बलों ने अर्धसैनिक बलों को किस शाखा में LOC पर महिला अधिकारों की पोस्टक के मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्रादेशिक सेना। प्रादेशिक सेना, ठीक है ना, मई 2023 में LOC पर प्रादेशिक सेना की महिला अधिकारियों की तैनाती को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नियंत्रण रेखा पर प्रादेशिक सेना की महिला अधिकारियों को तैनाती को मंजूरी दे दी है। वे अब पुरुष समकक्ष के समान परिस्थितियों में सेवा और प्रशिक्षण लेंगी। टेरिटोरियल आर्मी ने 2019 में इकोलॉजी टास्क फोर्स यूनिट्स, TA ऑयल सेक्टर यूनिट्स और TA रेलवे इंजीनियरिंग रेजिमेंट के महिला अधिकारों का कमीशनिंग शुरू की थी। प्रादेशिक सेना नागरिकों सैनिकों के सेना की अवधारणा पर आधारित है और अधिकारी नागरिक जीवन के कार्यरत रहते पर बुनियादी सैन्य कौशल पर वार्षिक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, किसने मियामी F1 ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मैक्स वर्स्टैपन ने। बी ऑप्शन राइट होगा, ये है मैक्स वर्स्टैपन, ठीक है ना। मैक्स वर्स्टैपन ने मई 2023 में मियामी F1 ग्रैंड प्रिक्स जीता है। मैक्स वर्स्टैपन ने सर्जियो पेरेज को हराकर मियामी ग्रैंड प्रिक्स जीता है। फर्नियो अलोंसो, जिन्होंने दूसरे स्थान की शुरुआत की है, तीसरे स्थान पर रहे हैं। जॉर्ज रसेल फेरेरी ने कॉर्कस सेज को हराकर चौथे स्थान पर रहे हैं। रेडबुल ने अब 2023 सीजन की सभी 5 रेस जीत ली है। मैक्स वर्स्टैपन रेडबुल टीम से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवीण चित्रवेल ने हाल ही में मई 2023 में क्यूबा में ट्रिपल जंप राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, वह किस राज्य से हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु यानी डी ऑप्शन राइट होगा। प्रवीण चित्रवेल ने मई 2023 में क्यूबा में ट्रिपल जंप में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। भारतीय ट्रिपल जंपर प्रवीण चित्रवेल ने हवाना क्यूबा में प्रू एवा डे कॉम्फिशियन 2023 एथलीट मीट में स्वर्ण पदक जीतने पर 17.37 मीटर के प्रयास के साथ एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। चित्रवेल ने 2016 में बेंगलोर में तीसरे इंडियन ग्राफिक में सरनजीत महेश्वरी द्वारा बनाए गए 17.30 मीटर के पिछले पुरुषों के ट्रिपल जंप राष्ट्रीय रिकॉर्ड में सुधार किया है। अब बात है तमिलनाडु की, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई है तमिलनाडु की कैपिटल। M.K. स्टालिन है यहाँ के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर R.N. रवि जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस खिलाड़ी ने मैड्रिड ओपन खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्काराज, यानी ई ऑप्शन राइट होगा। कार्लोस अल्काराज ने मई 2023 में मटुआ मैड्रिड ओपन खिताब जीता है। अल्काराज ने अपना 5वां ATP मास्टर 1000 खिताब जीता। अब उन्होंने मैड्रिड ओपन के लिए ताज का सफलतापूर्वक बचाव करते हुए जर्मन जन लेनार्ड स्टाप को 6-4, 3-6, 6-3 से हराया है। स्पेनिश ओपरा एरा में 10 टूर स्त्री खिताब का पहुंचने वाले छठे सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। वह 2022 में नेक्स्ट जेन ATP फाइनल्स में भी चैंपियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? छठवां क्वेश्चन है, INS मगर, जिसे हाल ही में 2023 में सेवा मुक्त किया गया है, किस प्रकार का जहाज है? तो इस प्रकार का जहाज है उभयचर आक्रमण जहाज। उभयचर आक्रमण जहाज यानी बी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है ना।
मई 2023 में 36 वर्षों की सेवा के बाद INS मगर को सेवा मुक्त कर दिया है। भारतीय नौसेना का यह जहाज मगर लैंडिंग शिप टैंक बड़ा भारतीय नौसेना का उभयचर हमला जहाज 36 साल की असाधारण सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। सेवा मुक्ति समारोह दक्षिण नौसेना कमान में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सातवां क्वेश्चन है, किस खेल हस्ती ने एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का रजत पदक जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जेरेमी लाल रे नुंगा, यानी सी ऑप्शन राइट होगा। जेरेमी लाल रे नुंगा ने मई 2023 में जिंजू कोरिया में रजत पदक जीता है। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत भारोत्तोलन जेरेमी ने 8 मई 2023 को जिंजू कोरिया में रजत पदक जीता है। उन्होंने 67 किलोग्राम भार स्नैच स्पर्धा में 141 किलोग्राम भार उठाकर पदक जीता है। चीन ने यूजी में स्वर्ण के साथ समापन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आठवां क्वेश्चन है, बिंदिया रानी देवी ने एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में किस वर्ग में रजत पदक जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट होगा 55 kg, यानी ए ऑप्शन राइट होगा। बिंदिया रानी देवी ने मई 2023 में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में 55 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। बिंदिया रानी देवी ने दक्षिण कोरिया के जिंजू में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं के 55 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। उनका पूरा नाम सोरोब खैरम बिंदिया रानी देवी है। चीन की चेन गुलान लिंग ने 204 किलोग्राम संयुक्त भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नौवां क्वेश्चन है, किस सशस्त्र बल को 2023 में स्वदेशी वीटोल लोटरिंग गोला बारूद का पहला बैच प्राप्त हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भारतीय वायुसेना, भारतीय वायुसेना, यानी सी ऑप्शन राइट होगा। वायुसेना में मई 2023 में स्वदेशी वीटोल लोटरिंग गोला बारूद का पहला बैच प्राप्त हुआ है। भारतीय वायुसेना को स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित लोटरिंग गोला बारूद प्राप्त हुआ है। ये सभी प्रकार के इलाकों और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में संचालन करने में सक्षम है और किसी भी कर्मियों को जोखिम में डाले बिना 50 किलोमीटर से अधिक दूरी पर लक्ष्य को मार गिरा सकता है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL द्वारा विकसित स्वायत्त प्रणाली का वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व रेड क्रॉस दिवस 2023 की थीम क्या रही है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, एवरीथिंग डी डू कम्स फ्रॉम द हर्ट, यानी रेड क्रॉस डे, रेड क्रिसेंट डे हर साल 8 मई को कब मनाया जाता है, 8 मई को मनाया जाता है। रेड क्रॉस अंतर्राष्ट्रीय समिति की स्थापना कब हुई थी, स्थापना की बात करें तो 17 जनवरी 1863 को हुई थी, 17 जनवरी 1863 को हुई थी। विश्व रेड क्रॉस रेड क्रिसेंट दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य संघर्षों क्षेत्रों के लोगों की रक्षा करना है। इसकी स्थापना स्विस सामाजिक कार्यकर्ता हेनरी ड्यूरेंट ने की थी। इसका मुख्यालय की बात करें तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसने 1917, 1944 और 1963 में 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार जीता है, 1917, 1944 और 1963 में। पीटर मैरर अध्यक्ष हैं, उन्होंने 1 जुलाई 2012 को पदभार ग्रहण किया है। और विश्व रेड क्रॉस 2023 की थीम एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट है, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आज की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी। हमारे इंस्टाग्राम पेज क्रिटिकल स्टडी 31 व हमारे यूट्यूब चैनल क्रिटिकल स्टडी को ज़रूर फॉलो कीजिए डेली करेंट अफेयर्स वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।